ऐसा ना हो कि कोई यहाँ पर जानवर शानवर हो, पता नहीं मुझे, अभी तक तो कुछ नहीं है। ये पुराने पुराने घरौंदे टाइप घर जिसके अंदर काफले रहा करते थे, ये आप देखें कि कितना प्यारा है ये बना हुआ, अभी भी बना हुआ है, पता नहीं कितने हजार साल पुराना होगा ये। कदीमी मेहमान सराय, ये पूरा इलाका कदीमी मेहमान सराय का इलाका है। सड़क के ऊपर था, मैंने गाड़ी इधर मोड़ ली है कि आपको दिखा सकूं कि जब ये काफले एक मुल्क से दूसरे मुल्क में और एक मुल्क में भी मूव करते थे तो ये किस तरह की जगहों पे रहते थे। ये बिल्कुल एक पुरानी बहुत ज़्यादा एंशिएंट मिट्टी के घर बने हुए जो कि बिल्कुल रोड के ऊपर थे। मैंने रोड से गाड़ी अंदर मोड़ी ताकि आप लोगों को ये इसका मैं एक झलक दिखा सकूं। देखें आप कितने खूबसूरत ये बने हुए, पुराने हैं, मिट्टी के हैं और धूप पड़ रही है इनके ऊपर। अभी भी शायद लोग इसके अंदर रहते हैं कुछ, शायद आई डोंट नो, शायद रहते हों शायद ना रहते हों। अभी हम गाड़ी खड़ी करके यहाँ पर थोड़ा सा इनको हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपोज करेंगे कि ये है क्या, ये गेम क्या है, क्या चीज़ है ये। ये है मेहमान सराय जो रोड के बिल्कुल दोनों रोड्स के दरमियान में दरियाफ़ की थी मैंने, और बहुत ही अजीबोगरीब आर्किटेक्चर है, बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर है। लोग यहाँ पर जब काफले मूव किया करते थे एक शहर से दूसरे शहर में, ट्रेड वाले काफले, ताजरों के काफले, सनतकारों के काफले, तो ये यहाँ से यहीं से जाया करते थे और इधर ही से ये अपना सफ़र करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और यहाँ से ये ट्रेड करते थे। और इसी तरह के रूट्स को फिर जो इन मुल्कों के हुक्मरान या गवर्नमेंट्स होती थी वो सेफ बनाने के लिए फौजें यहाँ पर रखते थे। अभी भी ये यहाँ पर बरकरार हैं, ये कमरे जो हैं टूट चुके हैं, शिकस्त और रेख से शिकार हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और जब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ये यहाँ पर लोग रहते होंगे और ये आबाद होंगे तो यहाँ पर कितनी चहल पहल होगी और कितने लोग यहाँ पर रह रहे होंगे उन दिनों में, और यहाँ पर खाने पकते होंगे, यहाँ पर दावतें होती होंगी, यहाँ पर मीटिंग्स होती होंगी सनतकारों की और ट्रेडर्स की, और वो यहाँ पर बैठकर अपने सौदे करते होंगे, अपनी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते होंगे। तो ये बहुत ही एंशंट रूट है ईरान का, जो एक मुल्क से यहाँ से लोग आज़रबाईजान जाया करते थे, और यहाँ ये सिल्क रूट भी है, और यहाँ से लोग ईरान से तुर्कमेनिस्तान, काजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इस तरह के तमाम मुल्कों को यही रास्ते थे जो जाया करते थे। मैं अब आपको कोशिश करता हूँ ये इसका जो रूम है इसको अंदर से दिखाने की मेरी कोशिश है कि मैं आपको अंदर से दिखा सकूँ कि अंदर क्या है इसके, लेकिन चूंकि उजाड़ बियाबान है बिल्कुल और बिल्कुल ही ये अंदर कुछ नहीं है इसके, इसलिए थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी इसी यहाँ पर कोई जंगली जानवर वगैरह ना हो। इस वक्त तो नाज़रीन अंदर इसके कुछ भी नहीं है, आप ये देखें कितना, ये लैंप्स मेरे ख्याल में आग शाग जलाने की जगह है, और ये देखें आप इसकी दीवारें भी काली हैं, मिट्टी से इसको मिट्टी गोंद कर उसमें शायद भूसा डालकर इसको प्लस्तर किया गया इस जगह को ताकि ज़्यादा देर तक कायम रह सके। ये देखें शायद यहाँ पर खाना पकता होगा किसी टाइम पे। अब मैं आपको दूसरे रूम के अंदर लेके जाता हूँ, ये दूसरा रूम है जो इसके साथ है, इसके भी हालात अंदर से वही हैं जो कि उस रूम के थे, टूट चुका है, शिकस्त और रेख्त है, और काला होने का मतलब ये है कि अंदर इसके खाना पकता होगा और आग जलाई जाती होगी ताकि गर्म रखा जा सके इसको।
ये मेहमान सराय है जी, मैं इसके एक ब्लॉक के अंदर जाता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि अंदर क्या है। ऐसा ना हो कि कोई यहाँ पर जानवर शानवर हो, पता नहीं मुझे, अभी तक तो कुछ नहीं है। ये पुराने पुराने घरौंदे टाइप घर जिसके अंदर काफले रहा करते थे, ये आप देखें कि कितना प्यारा है ये बना हुआ, अभी भी बना हुआ है, पता नहीं कितने हजार साल पुराना होगा ये। इस सारा ब्लॉक किसी चीज का है, जाहिर है कि इसकी कोई निगहदाश्त नहीं कर रहा, कोई इसका ख्याल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से टूट चुका है, लेकिन अभी भी इसका हुस्न, अभी भी इसकी खूबसूरती काबले दीद है। बस डर यही है कि कोई जानवर ना हो यहाँ पे, कोई कुत्ता, कोई भेड़िया, कोई इस तरह की चीज़ ना हो, क्योंकि ये यहाँ पर कोई शख्स नहीं है कम से कम। शायद कुछ अर्सा पहले यहाँ पर कुछ लोग रहते हों, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं रह रहा। बहुत बड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, छोटा नहीं है, जगह जगह पे इसके कमरे हैं। ये देखिए, ये अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है इसके अंदर। ये सीमेंट की दीवार बाद में जाहिर बनाई गई होगी। बहुत सारा अंदर से, और ये रूम कुछ बेहतर है, शायद ये रेनोवेट हुआ होगा बाद में। अंदर इसके कली वली भी हुई हुई है, वाइट वॉश हुई हुई है, डिस्टेंपर वगैरह हुआ हुआ है। यहाँ से आप एंटर होते हैं इस मेन दरवाजे से, तो बर्फ भी पड़ी हुई है अंदर, क्योंकि ठंड रात को काफ़ी थी। ये बर्फ पड़ी हुई है इसके अंदर, और आप देखें कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स ऑफ हाउसेज, रूम्स, सराय। काश के ईरानियन गवर्नमेंट इसको रेनोवेट करे, तो ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हिस्टोरिकल चीज़ है। तो अब हमने आपको आज दिखाया है जी कारवान सराय। ये कारवान सराय बिल्कुल रोड के ऊपर था, और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं ईरान में बहुत फिरा हूँ, मैंने बहुत सारे कारवान सराय ईरान में देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा कारवान सराय का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। लेकिन टूट चुका है ये, इसकी बड़ी हिस्टोरिक है, हिस्ट्री है, बहुत हिस्टोरिक है ये। अगर ईरानियन गवर्नमेंट इसको रेनोवेट करे तो बहुत अच्छा होगा, टूरिस्ट प्लेस बन सकती है, लोग यहाँ पर आएँ, देखें कि यहाँ पर लोग जब पुराने ज़मानों में सफ़र किया करते थे तो कैसे सफ़र किया करते थे, उनकी मुश्किलात क्या थी, खाने पकाने का क्या बंदोबस्त करते थे, रहते कहते थे इतनी सर्दी में। आज भी आपने देखा कि यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पुराने ज़मानों में बहुत हार्श और बड़ा मुश्किल वेदर होता होगा। तो अब हम चलते हैं आगे मशहद की तरफ, अपना रूट, अपना सफ़र जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।